भौम जल का जो पीएच है वायु से प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है, क्यों? पीएच जल का घट जाता है, क्यों घटता है? ऐसा क्या होगा? क्या वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती है, घुल जाती है? दूसरे में वायु से ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। भौम जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निकल जाती है। भौम जल में घुलित ऑक्सीजन वायु से निकल जाती है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके? एक राइट है। क्या कह रहा है? कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है, जिसके कारण भौम जल का पीएच क्या हो जाता है? घट जाता है। इसमें वायु में ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, ये नहीं है। इसी तरह भौम जल से घुलित कार्बन डाइऑक्साइड वायु से निकल जाती है, नहीं। भौम जल से घुलित ऑक्सीजन वायु में निकल जाती है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके? ए है वो राइट। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुलने के कारण उनका पीएच मान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी तरह और देखते हैं क्वेश्चन। अमाशय रस कौन सा अम्ल है? अमाशय का जो रस है वो अम्ल कौन सा है? अमाशय रस का अम्ल पूछे तो एसिटिक अम्ल है, दूसरे में नाइट्रिक अम्ल है, तीसरा क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन क्या कहेंगे कि HCl, क्या कहेंगे? HCl, या इसे क्या कहेंगे अपन? जठर रस। क्या कहेंगे? जठर रस, या फिर क्या कहेंगे? पेट का अम्ल। अमाशय का जो रस है वो कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक। एसिटिक नहीं है, एसिटिक अम्ल नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा, इसे अपन HCl कह सकते हैं, जठर रस, या फिर क्या कहते हैं? पेट का अम्ल भी कहते हैं। इसमें दूसरे में सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, वो क्या होगा आपके? H2SO4, इसे बैंट्री का पानी भी कहते हैं, वाहनों की बैंट्री का पानी। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, या जितनी भी रसायन है रसायनों का क्या कहते हैं? राजा। इसका जो पीएच होता है H2SO4 का, वो पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। जब नींबू के रस में बेकिंग सोडे पर गिराया जाता है, नींबू रस पर कौन सा बेकिंग सोडा गिराया जाता है, तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं, क्यों? मुक्त होने वाली गैस, मुक्त होने वाली इसमें गैस कौन सी है? क्या हाइड्रोजन है? नहीं। ऑक्सीजन है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उपरोक्त सभी है? नहीं, उपरोक्त सभी नहीं है। कौन सी गैस है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अपन क्या करेंगे, नींबू पर बेकिंग सोडा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्या कह रहा है? ताजे दूध का पीएच 6 है, जब ये खट्टा हो जाता है तो पीएच कितना हो? खट्टा होगा तो अम्लीय होगा, इसकी पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ये पीएच ग्रेटर देन 6। फिर कह रहा है वही रहता है अर्थात 6, और 6 से क्या हो जाता है? सॉरी, पीएच का मान 6 से बढ़ जाता है, जैसे बड़ा हो जाता है, और या फिर उदासीन अर्थात सांत। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? पीएच मान है वो 6 से क्या हो जाएगा आपके? कम हो जाएगा। पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये सी है। नेक्स्ट, NaCl रासायनिक सूत्र। NaCl है वो रासायनिक सूत्र किसका है? NaCl सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम क्लोराइड। क्या अमोनिया का है, पानी का है, नमक का है, चीनी का है? अमोनिया का नहीं है, पानी का नहीं है, चीनी का नहीं है, किसका है? नमक। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नाम इसका नमक है। अणुसूत्र Na क्या है? Cl। इस NaCl को कैसे प्राप्त करते हैं? नमक को, भारी पानी को, या समुद्री पानी को किसी खुले पात्र में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सूर्य से प्रकाश की या सूर्य से ऊष्मा पाकर पानी वाष्पित हो जाता है, और पीछे क्या बचता है? लवण। जो लवण बचेगा उसके अंदर शुद्ध नमक नहीं होता है, अशुद्ध नमक होता है। उसके अंदर अशुद्धि किसकी होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की, और कैल्शियम क्या है? क्लोराइड की अशुद्धियाँ होती है। इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस अशुद्ध नमक को एक बड़े टैंक में पानी के साथ डाल दिया जाता है, फिर इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिसे शुद्ध नमक NaCl प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध NaCl। NaCl रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। किसका नाम है भी? नमक का। ये साधारण नाम नमक है,
अणु सूत्र NaCl है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। खाने वाला सामान्य नमक रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला नमक वही सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखें सोडियम बाइकार्बोनेट है, नहीं सोडियम क्लोराइड कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या कह रहा है ये? फर्स्ट वन, सेकंड कह रहा है सॉरी थर्ड सोडियम सिलिसेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चीली सीरा है, चीली सीरा पोटेशियम नाइट्रेट है, फिर कह रहा है सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कौन सा आ जाएगा आपके? सोडियम नाइट्रेट। फर्स्ट गलत है, ये भी गलत है और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का अणु सूत्र NaOH, सोडियम क्या कहेंगे इसे? हाइड्रोक्साइड। अणु सूत्र की बात करें तो क्या आ जाएगा? NaOH, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसमें क्या कह रहा है? सोडियम थायो सल्फेट है क्या? नहीं। सोडियम कार्बोनेट है? नहीं। सोडियम क्लोराइड है क्या? नहीं। सोडियम क्या है यहाँ पर? हाइड्रोक्साइड है। बाकी इसके अंदर और भी देखते हैं क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साधारण नाम क्या कहेंगे? कास्टिक, और अणुसूत्र NaOH। इसको प्राप्त कैसे करते हैं? नमक का विद्युत अपघटन करने पर, NaCl का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। किसका? नमक का। NaCl को विद्युत अपघटन करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर काम लिया जाता है? हाइड्रोमीटर काम लिया जाता क्या? नहीं। स्टीलोगैग्नोमीटर? नहीं। लैक्टोमीटर काम लिया जाता है, कौन सा? लैक्टोमीटर। थर्मोमीटर? नहीं। कौन सा आ जाएगा आपके? लैक्टोमीटर काम में लिया जाता है दूध की शुद्धता। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता? कठोर जल है, साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता? तो कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अफेक्स बना देता है। दूसरे हम क्या कह रहे हैं? कठोर जल में सल्फेट व सल्फेट और क्लोराइड होता है, क्लोराइड के आयन होते हैं जो अफेक्स बना लेता है। कठोर जल का पीएच उच्च होता है, कठोर जल का पीएच निम्न होता है। इसमें कठोर जल में कौन सा होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपेक्ष बना लेते हैं, जो झाग को किसमें? ठोस में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए जो कठोर जल है वो साबुन में क्या नहीं देता है? साबुन के साथ झाग नहीं देता है। कौन सा जगह आपके? ऑप्शन ए। कठोर जल के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो साबुन के साथ क्रिया करके एक ठोस में झाग को किस में परिवर्तित कर देते हैं? ठोस में परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी या डालडा घी निम्न में से कौन सा प्रक्रम सही है प्रयोग किया जाता है? इसको डालडा घी बनाने के लिए, या कह लें यहाँ पर वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है? जल का अपघटन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और ओजनीकरण किया जाता है। कौन सा सही है इसमें? फर्स्ट गलत है आपका, जल का अपघटन नहीं है, ऑक्सीकरण भी गलत है, हाइड्रोजनीकरण क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ओजनीकरण नहीं। यानी किसका? वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा तो वो तेल है किसमें? कम तापमान पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है, यानी क्या बन जाता है आपके? डालडा घी बन जाता है, हाइड्रोजनीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। निम्न कथनों का क्या है विचार कीजिए। संगमरमर, मार्बल, कथनों पर क्या करना है? विचार करना कि कौन सा कथन इसमें सत्य, उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है सही है वो देखना है। संगमरमर, मार्बल, टूथपेस्ट का संगठक है, टूथपेस्ट का संगठक है क्या? मार्बल, जैसे टाइल पत्थर चूना, टाइल पत्थर कह दें मार्बल, ये किसका? टूथपेस्ट का संगठन है क्या? नहीं है, संगठक नहीं है। जिप्सम का उपयोग अमोनिया सल्फेट के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है, किसमें किया जाता है? कौन सा कथन सही है आपके? सेकंड सही है इसमें, और फर्स्ट क्या है? गलत। सेकंड सही है, ऑप्शन कौन सा आपके? बी राइट, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। इसी तरह अपन क्वेश्चन आगे और देखते हैं। क्या दे रखा है? लोहे की कील नीले कॉपर सल्फेट
वियन में डुबाई जाए, डुबाई जाती है तो कुछ समय के पश्चात लोहे की कील होगी। किसके अंदर? घोल के अंदर, कॉपर के घोल, कॉपर सल्फेट के घोल के अंदर अगर नीली कील डुबा दें तो क्या होगा? घुल जाती है और नीला रंग उड़ जाता है, लोहे की कील मिलेगी नहीं। गलत, घुल जाती है और नीला रंग नहीं उड़ता है, घुलती नहीं है, नहीं घुलती है, रंग नीला उड़ जाता है, घुलती नहीं है, नीला रंग नहीं उड़ता, ये आपका गलत है। नीला रंग, सॉरी, नहीं घुलती है और नीला रंग उड़ जाता है। ऑप्शन कौन सा आजगा? लोहे की छड़ उसके अंदर घुलेगी नहीं, लेकिन उसका रंग जो नीला है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। क्या कह रहा है? घुल जाती है, लोहे की छड़ पानी के अंदर नहीं घुलेगी, सॉल्यूशन के अंदर वह रंग नीला रंग उड़ जाता है। नहीं, गलत है। इसी तरह घुल जाती है और नीला रंग नहीं उड़ता है, ये भी गलत है। नहीं घुलती है, नीला रंग नहीं उड़ता है, ये भी गलत है। नहीं घुलती है, नीला रंग उड़ जाता है। नीला रंग होता उस छड़ का क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, बाकी लोहे की छड़ घुलती नहीं है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। निम्न किसका प्रयोग पुराने चित्रों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यानी चित्रों से गंद जो डस्ट हटाने के लिए या पहले जैसे कलर प्राप्त करने के लिए, में से किस यौगिक का? ओजोन का नहीं, हाइड्रोजन परोक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परोक्साइड का। हम ब्रोमीन परोक्साइड का नहीं, सोडियम परोक्साइड का नहीं। हाइड्रोजन परोक्साइड का प्रयोग करके पुराने चित्रों को साफ किया जा सकता है या पहले जैसे कलर प्राप्त किया जा सकता है। किसका प्राप्त करके? सोडियम परोक्साइड, सॉरी, हाइड्रोजन परोक्साइड द्वारा पहले जैसे चित्र प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं। क्या दे रखा है इसमें? निम्न में से किस एक सिल्वर चांदी नहीं है, किन में एक सिल्वर चांदी नहीं है? लूनर कास्टिक, जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। कौन नहीं है इसमें? हॉर्न सिल्वर नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अपना कौन सा राइट होगा इसमें? सी, हॉर्न सिल्वर में क्या नहीं है? चांदी नहीं है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें। लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक की बात करें तो ये सिल्वर नाइट्राइट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्राइट, AgNO3। इसका अणुसूत्र क्या है? AgNO3। एग्जाम में से क्वेश्चन पढ़ता ध्यान रखना, क्या कह रहा है? सिल्वर नाइट्राइट, AgNO3, या फिर लूनर कास्टिक कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम साधन क्या होता है? चुनाव चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चुनाव चिन्ह। अगर इस यौगिक को हवा में खुला छोड़ दे, सॉरी, प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो ये अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसको रंगीन बोतल में भर कर रखते हैं या किसी वस्त्र द्वारा ढक कर रखते हैं जहाँ प्रकाश ना गिरना चाहिए। जैसे प्रकाश गिरेगा इस पर तो ये अपघटित होकर नया यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। कौन? सिल्वर नाइट्राइड। किस में काम आता है? चुनाव चिन्ह में या चिन्ह की सही में या किसी वस्तु को चिन्हित करने में काम आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि सिल्वर नहीं है, चांदी नहीं है। किसके अंदर नहीं है? हॉर्न सिल्वर में क्या नहीं है? चांदी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं क्या है। खाना पकाने वाले स्टेनलेस स्टील बर्तनों कॉपर की तली पेंदी क्यों होती है? उनकी जो पेंदे के अंदर जो कॉपर है वो क्यों लेपन करता है? किस लिए? स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा कॉपर की चालकता अधिक होती है। बिल्कुल, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा कॉपर की चालकता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, कॉपर खाना पकाने बर्तन के टिकाऊ को बढ़ाता है। नहीं, कॉपर ऊष्मा का एक अच्छा परिवर्तक है। नहीं, कॉपर एक सस्ता है। नहीं, कॉपर सस्ता नहीं। इसमें जो कारण है वो क्या है? स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा कॉपर की चालकता अधिक होती है। स्टेनलेस स्टील से कॉपर की जो ऊष्मा की चालकता होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए इसके लेपन से उस बर्तन में रखा हुआ पदार्थ कम समय में गर्म हो जाएगा या कम ताप पर वो क्या हो जाता है? पक जाता है। इसीलिए कौन सा आपके बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का क्या उद्देश्य है? गूंथे आटे में बेकिंग सोडा कह दें, सोडियम बाइकार्बोनेट कह दें, मीठा सोडा कह दें, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके अंदर कह रहा है? गूंथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? बेकिंग सोडे को आप क्या कह सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट।
क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट उनके आटे मिलाने पर निम्न में से कौन सा उद्देश्य है इनके लिए, नमी उत्पन्न करता है, अच्छी गंध देना, अच्छा रंग देता, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पन्न करना। फर्स्ट नमी उत्पन्न करना, नहीं। दूसरा अच्छी गंध देना, नहीं। अच्छा रंग देना, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करना, कौन सा जगह, ऑप्शन बी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिसे गर्म करने से उस आटे से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उसके अंदर क्या हो जाता है, छिद्र होता हो जाता है, जिसके कारण तेल अंदर जाकर के वो अच्छी तरीके से क्या है, पक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, फ्लोरीन, कौन सा इसमें, हीरा। ये ग्रेफाइट नहीं है, चारकोल नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, शुद्ध रूप कौन सा जगह के, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है, ईंधन, ईंधन तो होगी वायु, बिल्कुल, ज्वलन ताप होगा, मोमबत्ती, मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है, दहन में कौन आवश्यक शर्त है, ईंधन, ईंधन बिल्कुल, इसी तरह वायु है, ज्वलन ताप है, लेकिन आपको क्या चाहिए, नहीं है, वो क्या है, मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नियंत्रण वायुमंडल में गैसों में सर्वाधिक किससे मिलकर बनी होती है, वायुमंडल में जितनी गैस है वो सर्वाधिक किसकी बनी होती है, ऑप्शन ए में हाइड्रोजन की बनी होती है, दो में कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, तीन में ऑक्सीजन की बनी होती है, नहीं, डी में क्या कह रहा है, नाइट्रोजन की। पहले देखें, हाइड्रोजन ए नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सर्वाधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन, जो कितने प्रतिशत होता है, 78% पाया जाता है, किसमें, वायुमंडल की जो गैसें होते हैं उनके मिश्रण में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, मोमबत्ती का जलना दहन है, मोमबत्ती का जलना दहन क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। इसी तरह अपन क्वेश्चन और करते हैं, आगे देखें क्या दे रखा है, शहद में निम्न में से कौन सी शर्करा प्रमुख है, शहद में निम्न में से कौन सी शर्करा प्रमुख है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है या माल्टोज है, सुक्रोज नहीं है, कौन सी है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज नहीं है और माल्टोज नहीं है, कौन सी आ जाएगी इसमें, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज है, वो शहद में क्या पाई जाती है आपके, सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं आगे, क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो रंगीन बोतल या पात्र में रखा जाता है, क्योंकि यह सीधी वायु से और प्रकाश से क्रिया करता है, जो एक विषैला पदार्थ बनाता है, तो कौन सा विषैला पदार्थ बनेगा, क्लोरोफ्लोरो को जब भी अपन वायु में खुला छोड़ते हैं तो वायु के साथ क्रिया करके या प्रकाश के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, विषैली गैस बनाता है या विषैला यौगिक या पदार्थ बनाता है, वो कौन सा है, क्या फॉस्फिन है, मास्टर्ड गैस है, फॉजिन है या सीओ है, कौन सा इसमें, फॉस्फिन नहीं है, मास्टर्ड गैस नहीं है, क्या बनाता है, फॉजिन गैस बनाता है, ये भी फॉजिन एक विषैली गैस है, जो किससे बनती है, क्लोरोफॉर्म बनती है, क्लोरोफॉर्म को जब हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो हवा या प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो फॉजिन गैस बनती है, ये एक विषैली गैस है, जिसे सूंघने से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह क्वेश्चन और लेते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्या कह रहा है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, एसिटिलीन है, एथिलीन है, एथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सी है, एसिटिलीन नहीं है, एथिलीन है, कौन सी है, एथिलीन, एथेन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं। निम्न में से कथनों का क्या करना है, विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, हीरा कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम है,
दूसरा क्या कह रहा है, हीरा कठोर है, ग्रेफाइट क्या है, मोलाइड। ये ठीक है, हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट मोलाइड है, हीरा मोलाइड है ग्रेफाइट कठोर है, ये गलत है। हीरा विद्युत का सुचालक है, सॉरी हीरा विद्युत का कुचालक है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी क्या आपका सही। यानी कथन कौन सा एक और तीन क्या है सही, कथन एक और तीन ऑप्शन कौन सा आपका ये अच्छा कौन सा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, फुल रिंग, कौन सा आ जाएगा इसमें, हीरा। ग्रेफाइट शुद्ध नहीं है, चारकोल और फुल रिंग भी नहीं।